क्या हुआ जब दिल्ली के बुराड़ी गांव में अचानक हवा में उड़ने लगा ये साधु, और फिर जो हुआ ये देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। हिमालय के पहाड़ों में सालों से तपस्या करके घर घर जाकर भिक्षा मांगने वाला ये साधु दिल्ली के बुराड़ी इलाके में अचानक से हवा में उड़ने लगा। जी हाँ, ये दृश्य वाकई अविश्वसनीय है, लेकिन ये सच्ची घटना है। साधु को इस तरह से हवा में उड़ता देख वहाँ के आसपास के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल रोहित चौधरी नाम के स्थानीय निवासी के घर में ये साधु भिक्षा मांगने आया था और उनके दरवाजे के बाहर बैठ गया। घर के मुखिया सुखराब, जो कि बुजुर्ग थे, वो उनके लिए पानी लाए और उनसे बैठकर बातचीत करने लगे। तभी सामने वाली बिल्डिंग में एक 3 साल का बच्चा चौथे फ्लोर पे बालकनी से लटक कर नीचे देख रहा था। उस बच्चे ने खेल खेल में बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया। उसके घर वाले अंदर से जोर जोर से चिल्लाने लगे। लोगों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। लोगों का शोर सुनकर उस साधु का ध्यान उस बच्चे पर गया। देखते देखते वह बच्चा बालकनी से पैर लटकाने लगा और जैसे ही उसका संतुलन डगमगाने लगा वैसे ही साधु खड़ा हुआ और तेजी से उड़कर उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसकी जान बचा ली। इस दृश्य को देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, ये साधु कैसे उड़ सकता है। इसके बाद वह साधु उस बच्चे को सही सलामत नीचे लेकर आया और माता पिता को सौंप दिया। बच्चे के माता पिता ने रोते हुए साधु का धन्यवाद दिया और कहा कि बाबा, आपको जो चाहिए हम देंगे, आपने हमारे बच्चे की जान बचा ली। तब उस साधु ने कहा कि यदि तुम चाहते हो मेरे लिए कुछ करना तो किसी भी गरीब को अपने दरवाजे से भूखा मत जाने देना और मदद मांगने वाले की हमेशा मदद करना। समझ लेना कि तुम्हारी हर मदद भगवान भोलेनाथ के पास जा रही है, जिसका फल तुम्हें स्वयं मिलता रहेगा। हालांकि उस बच्चे के माता पिता को बाबा की बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके पैर छूकर उनका धन्यवाद दिया और आशीर्वाद भी लिया। जिसके बाद वो साधु घर घर जाकर लोगों से भिक्षा मांगने लगा और लोगों का मानना है कि वह शिव जी के परम भक्त थे। जब ही तो उन्होंने हवा में उड़कर उस बच्चे की जान बचाई। इतना ही नहीं, ये पूरा वाकया वहाँ के पास में लगे CCTV में भी कैद हो गया, जिसके बाद लोगों के बीच वह साधु चर्चाओं का केंद्र बन गया और कभी कभी वह साधु उस इलाके में आता है और लोगों से भिक्षा मांगता है। इतना ही नहीं, वहाँ के लोग अब उस साधु को अपने घर में बैठकर भोजन भी कराते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये खास वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।